हे फ्रेंड्स, मैं हूं शालिनी एंड वेलकम टू माय चैनल टिप्स टू टॉप बाय शालिनी। आई डोंट नो कि आप में से कितने लोग जानते हैं इस बात को कि मैं मैरिड हूं। मतलब शायद अगर नहीं जानते हो तो आज आप जान जाएंगे। यस, आई एम मैरिड। और मैरिड होने के बाद ना सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है किसी भी स्टूडेंट को जिसकी शादी हुई हो, या किसी भी ऑफिस वर्किंग गर्ल को जिसकी नई नई शादी हुई हो, कि शादी के दिन तो हम इतने अच्छे से तैयार होते हैं, पार्लर वाले को हायर कर लेते हैं, वो हमारा मेकअप जो है इतना ज्यादा अच्छा कर देती है कि मतलब सब लोगों की आंखें आपके ऊपर टिक जाती है। बट जो मेन मुद्दा हो जाता है ना, वो होता है कि शादी के बाद वो कैसे तैयार हो। ऑब्वियसली हमेशा तो हमें तैयार नहीं होना होता, लेकिन हाँ, स्टार्टिंग के 3-4 दिन तक हमें बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार होकर रहना पड़ता है। जैसे कि मैंने बताया, मेरी शादी हो चुकी है तो मुझे ये एक्सपीरियंस भी है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेकअप ट्यूटोरियल आफ्टर वेडिंग। जी यस, वो मेकअप ट्यूटोरियल जो आप शादी के बाद कर सकते हैं और बहुत ही नेचुरल और कम प्रोडक्ट के साथ आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नई दुल्हन है तो 2-3 घंटे तक आप मेकअप लेके बैठे रहेंगे। मतलब ऐसा मेकअप मैं आज आपको बताने वाली हूँ जिसको आप यू कर लेंगे और उस मेकअप के साथ ही आप बहुत ज्यादा सुंदर दिखेंगे और लोगों की नजर आपके ऊपर टिकी रहने वाली है। तो चलिए फिर इस मेकअप को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये मेकअप ट्यूटोरियल पसंद आता है तो आपको करना है इस वीडियो को लाइक एंड इस वीडियो को शेयर। और अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप न्यू ब्राइडल हैं, इसका मतलब सबसे पहले यही हो जाता है, ये नहीं कि आप केवल मेकअप पे फोकस करें। आपको फोकस करना होता है सबसे पहले अपने स्किन केयर पे। तो मेकअप करने से पहले आप कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर या अपनी जो डेली की क्रीम है उसे जरूर अप्लाई कर लें, ताकि वो आपके फेस पे एक लेयर बना दे और आपकी स्किन को बहुत ही अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज कर दे। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ ये प्लम का एल्यूमिनस डीप मॉइस्चराइजिंग क्रीम। ये वन ऑफ माई फेवरेट क्रीम है और रिसेंटली इसको ही मैं यूज कर रही हूँ अपने डेली यूज में। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी को यूज करूँ। तो इसको मैं अच्छी तरीके से मेरे फेस पे अप्लाई कर लूंगी, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, जब भी अभी आप तैयार हो रहे हो। इस चीज को आपको याद रखना है, ये जो मेकअप ट्यूटोरियल है ये सर्दियों के लिए, गर्मियों के लिए, किसी चीज के लिए स्पेसिफिक नहीं है, ये दोनों टाइम के लिए है। तो इसको मैं अच्छी तरीके से मेरे फेस पे अप्लाई कर लूंगी। अब यहाँ पे मैं फाउंडेशन आपको नहीं बताऊंगी, ना ही कंसीलर, क्योंकि फाउंडेशन कंसीलर जब आप अप्लाई करेंगे ना तो उसको ब्लेंड करने में ही आपको 1 घंटे लग जाने हैं। 1 घंटे नहीं तो 15 से 20 मिनट तो जरूर लगने हैं, क्योंकि कंसीलर और फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करें। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगी NYBae की CC क्रीम। जी यस, अगर आप डेली के लिए तैयार हो रहे हैं, मतलब आफ्टर वेडिंग, तो कोई जरूरत नहीं है कि आप इतना ज्यादा फाउंडेशन और कंसीलर अपने फेस पे लगाएं। और डेली अच्छा भी नहीं लगता है, हो सकता है आप 1 दिन लगा ले, 2 दिन लगा ले, बट रोज लगाने में जरूर आपको आफत आने वाली है। तो इसीलिए आप यूज कीजिएगा कोई भी CC क्रीम या BB क्रीम, वो आपकी स्किन के लिए ज्यादा सही रहेगा। और क्योंकि ये लाइट वेट होता है तो आपको बहुत ज्यादा हैवी भी फील नहीं होगा कि आपने बहुत कुछ अपने फेस पे लगाया हुआ है। तो इसको मैं छोटे छोटे डॉट्स में अपने पूरे फेस पे अच्छी तरीके से अप्लाई कर लूंगी। इसको मैंने डॉट्स में अप्लाई कर लिया है। अब अगर आपके पास ब्रश है, सामने रखा हुआ है, तो ब्रश यूज कीजिए। ब्रश नहीं है तो हैंड्स को भी यूज कर सकते हैं। तो मैं ब्रश क्यों यूज करूँ, मैं भी आपको हैंड्स को ही यूज करके दिखा देती हूँ। आपको इस तरीके से इसे टैप करते हुए अपनी स्किन में अच्छे से ब्लेंड करना है। अगर आप इसको ऐसे ऐसे घिस लेंगे ना तो ये मतलब एकदम गायब हो जाएगा आपके फेस से। तो आपको इसको हल्का हल्का टैप करते हुए ब्लेंड करना है, तो ये आपको अच्छा कवरेज भी देगा और स्किन पे दिखेगा भी। इसको मैं थोड़ा सा और मेरे आईज के पास अप्लाई करूंगी, क्योंकि आपका जो आई का पार्ट होता है वो थोड़ा सा ज्यादा डार्क होता है। तो आप थोड़ा सा और ले लें, कोई भी CC क्रीम या BB क्रीम जो भी लगा रहे हैं। और अगर आप कंसीलर लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। और वो पार्ट आपके फेस का जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी स्किन थोड़ा ज्यादा डार्क है, यानी कि ये आई वाला पार्ट और आपके लिप वाला पार्ट, बस फिर इसको अच्छे तरीके से आपको ब्लेंड। इसके बाद इसको सेट करना है। जीएस, हमेशा जैसे कि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि BB क्रीम, CC क्रीम, फाउंडेशन, कंसीलर जो भी लगाएं उसको सेट जरूर कर लें। अगर आपको लगता है कि आपका फेस ज्यादा ड्राई हो जाता है उसको अप्लाई करने के बाद, तो अपने नोज एरिया को अच्छे से सेट कर लें और अपने आई एरिया को, जरूरी नहीं है कि पूरे फेस को सेट करें। तो इसको सेट करने के लिए आपको चाहिए एक कॉम्पैक्ट। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ मेबेलिन का सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट। इसकी हेल्प से आपको क्या करना है, इस तरीके से लेना है आपका पाउडर और फिर ऐसे डैप करते हुए आपको करना है। इससे ना आपका जो फेस है वो बहुत ज्यादा पाउडरी नहीं लगता
और आपका जो सीसी क्रीम है वो अच्छे से सेट हो जाता है। तो बस यहाँ पे मेरा फेस अच्छे से सेट हो चुका है। अभी प्लीज आप मेरे हेयर पे ध्यान मत दीजिएगा, इसको मैं लास्ट में सेट करने वाली हूँ। अब आपको करना है आपके आई का मेकअप। आई का मेकअप बहुत ज्यादा हैवी नहीं चाहिए आपको, आपको ले लेना है कोई भी नॉर्मल पैलेट। तो यहाँ पे मैं ये ब्लू हेवन का पैलेट लूंगी। मैंने जैसा कि बताया ज्यादा कुछ नहीं करूंगी, बस अपने आईलिड को हल्का सा कलर दे दूंगी। तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक ब्रश, और फिर जो कलर आप चाहे वो आप अपने आईलिड को दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये रेड कलर दूंगी, ज्यादा नहीं बिल्कुल थोड़ा सा अप्लाई कर लीजिएगा ताकि एक कलर आ जाए आपके आईलिड। बस इस तरीके से बस इतना ही करना है। आप बहुत ज्यादा अगर आई मेकअप करने लगेंगे तो वो ओवर दिखेगा, इतना ही कीजिएगा, दैट्स इट। इतना आपके आई मेकअप के लिए, मतलब रेगुलर के लिए बहुत इनफ है। इसके बाद करना है आपको आईब्रो को सेट। उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये लैक्मे की आईब्रो पेंसिल। आप भी इसी टाइप की कोई भी पेंसिल को यूज कर लीजिएगा और आईब्रो को जरूर सेट कीजिएगा। खुद देखेंगे कि आईब्रो को सेट करने के बाद आपका लुक कितना ज्यादा चेंज हो जाता है। That's it, बस इतना ही आपको आईब्रो को करना है, ज्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ पे आईब्रोज भी सेट हो गई है। अब जो कि न्यू दुल्हन की सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है काजल, जैसे कि काजल आप लोग जरूर अप्लाई करते होंगे। तो यहाँ पे ना आप काजल तो अप्लाई करते ही हैं, उसके साथ आप थोड़ा सा लाइनर अप्लाई कर लीजिएगा तो आपके आईज को बहुत ही परफेक्ट लुक मिल जाएगा। तो आई लाइनर के लिए यहाँ पे मैं यूज करूंगी लैक्मे का इंस्टा आई लाइनर, और इसकी हेल्प से एक विंग आई लाइनर क्रिएट कर लूंगी। आईलाइनर के बाद जैसे कि मैंने बताया आपको अप्लाई करना होगा काजल। तो काजल के लिए यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ सेम लैक्मे का आइकॉनिक काजल। ये काजल जो है वो बहुत अच्छा है, आई डोंट थिंक सो मुझे इसकी तारीफ करने की जरूरत है, ऑल यू नो। तो यहाँ पे एक आप अगर आप आईलाइनर नहीं लगा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा सा मोटा काजल लगा ले, बट अगर आप आईलाइनर लगा रहे हैं तो आप पतला काजल भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स अब मैं बोलूंगी मस्कारा, तो आप बोलेंगे बहुत ज्यादा हो जाता है, बट बिलीव मी गाइस मस्कारा ना आपके आई लुक को बिल्कुल चेंज कर देगा। जो लोग फॉल्स आईलैशेस पहनते हैं या जिनको बहुत इजी है पहनना वो पहन सकते हैं, क्योंकि उनको प्रैक्टिस हो जाती है और उनके लिए बहुत इजी भी होता है। बट मेरे लिए ना तो इतना इजी है ना आई डोंट थिंक सो जो न्यू ब्राइड है उनके लिए इतना ज्यादा इजी होगा। तो आप केवल ना मस्कारा लगा लीजिए। तो मस्कारा के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ लैक्मे का आइकॉनिक मस्कारा। ये बहुत ही अच्छा मस्कारा है और आपके लैशेस को बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम दे देता है, कर्ल कर देता है। इसके बाद आपको नेक्स्ट चाहिए आपके फेस के मेकअप को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए या फिर थोड़ा सा ब्लश अप्लाई करने के लिए शिवाना कलर्स का पैलेट। आप ये तीन का पैलेट ले लेते हैं ना तो आपका काम खत्म। आप इससे अपना ब्लश, अपना कॉन्टोरिंग, अपना हाइलाइटिंग सब कुछ कर सकते हैं। ये जो पिंक शेड है इसको मैं अपने चीक्स पे अप्लाई कर लूंगी एज अ ब्लश। अब सेम पैलेट से आपको अप्लाई करना है ये हाइलाइटर। हाइलाइटर भी आपका लुक बिल्कुल चेंज कर देगा, ज्यादा नहीं आपको थोड़ा सा हाइलाइटर लेना है और अपने फेस के हाईएस्ट पॉइंट पे अप्लाई करना। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं ना कि आपका ये जो मेकअप है वो पूरे दिन चले तो आप एक फेस स्प्रे जरूर इस पे अप्लाई कर लीजिए, जो कि होता है मेकअप फिक्सर या मेकअप स्प्रे उसको। तो यहाँ पे मैं क्रोनो केयर का ये जो स्प्रे है इसको अपने फेस पे अप्लाई कर लूंगी हल्का सा। ये आपके फेस को मेकअप को ना बहुत लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा और पूरे दिन आपको दोबारा से टचअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स इट, इसको अब मैं इसी तरीके से अपने फेस पे ड्राई होने। तो इसके बाद आपको चाहिए एक लिपस्टिक, और मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप न्यू ब्राइड हैं तो फिर आप ट्राई करें कि आप रेड कलर के लिपस्टिक को ज्यादा यूज करें। मतलब मेरा पर्सनल है, बाकी तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी लिपस्टिक पसंद है। तो मैं यहाँ पे ये रेड कलर की लिपस्टिक को अप्लाई करूंगी जो कि है कलर बार की। मैं सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से एक बार जरूर चेक कीजिए।
बारी है सिंदूर लगाने की और इयररिंग्स पहनने की और हेयर स्टाइल करने की। इसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। आपको ये जो मेकअप ट्यूटोरियल है जरूर पसंद आया होगा। अब आपके लिए शादी के बाद मेकअप करना थोड़ा सा तो जरूर इजी हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अब तक मुझे मेरे इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है जल्दी से फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।